नमस्कार एंड वेलकम टू रिपब्लिक हरियाणा जेंटलमैन, आई एम भास्कर मुखर्जी एंड हेयर आर द लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस। द हरियाणा पुलिस इज ऑन हाई अलर्ट आफ्टर द संयुक्त किसान मोर्चा हैज कॉल्ड टोटल चक्का जाम ऑन सैटरडे। एज द संयुक्त किसान मोर्चा कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट चक्का जाम ऑन सैटरडे, द डिफरेंट फार्मर्स आउटफिट फॉर्म्ड कमेटी टू मोबिलाइज पीपल एट वेरियस प्लेसेस। डिफरेंट फार्मर्स आउटफिट आर सेइंग दैट द चक्का जाम विल बी द फर्स्ट बिग प्रोग्राम आफ्टर द रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड। द ट्रैक्टर परेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन हैज सॉ अ मेजर वायलेंस, दस द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज यादव अलर्टेड द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एट एनी कॉस्ट। The DGP has directed all the SPs of Haryana that the tractor parade in the national capital turned violent. Yadava also directed that even the farmers are getting support of different political parties and the situation may turn violent again. Though the district police have totally prepared to deal with any untoward situation, the farmers are also claiming that a large number of women and students too will reach the dharna spots. Pure Karnal mein 11 jagah inhone चक्का जाम के प्रोग्राम बनाया है, तो उसको देखते हुए हमने मैक्सिमम फोर्स लगाई है। और मैक्सिमम ये है कि भाई किसी पब्लिक को, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसके अंदर हमने कोई रूट डाइवर्ट भी उसका प्लान बनाया है। और आम जन से पब्लिक से ये निवेदन भी करते हैं कि भाई 12 से 3 का इनका जाम का वो है, तो उसमें कम से कम ट्रैवल करें। टोटल 11 जगह है जी, 11 से अलग अलग से इनकी ड्यूटी, हमारी जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है इसके अंदर, और इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी और हमारे जो DSP हैं और सभी मैक्सिमम ड्यूटी लगाई है। अभी हमारे पास मैसेज है कि भई ये बस्ताड़ा टोल पे वो करेंगे, तो वहाँ पर हमने मैक्सिमम फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक अलग से DSP वहाँ पर लगाए। इस संबंध में ये भी है कि भाई जो आम जो पब्लिक की उनको ऐसी भी दाना हो और उसको मद्देनजर रखते हुए तो बात भी चल रही है। इसमें जो हमारे पास गाइडलाइन है सारी, उसमें ये है कि भाई कानून तो किसी भी कीमत पे किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। इमरजेंसी लाइन के लिए सर जो बोल रहे हैं, इमरजेंसी लाइन के लिए इस बारे में वो भी बात है कि भाई इमरजेंसी को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा, उसको रास्ता दिया जाएगा। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट सर्विस in two different districts. The government has extended the suspension of mobile internet services and all dongle services in two districts, which are Sonipat and Jhajjar, till 5 PM of February 5. A government spokesperson said that the state government has decided to impose the suspension of internet services in order to stop the spread of disinformation and rumors through various social media platforms such as WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. As the farmer protest is ongoing from last 72 days, the commuters of Delhi are left high and dry. As the Delhi police have barricaded bordering area of Delhi, the Delhi commuters are facing difficulty to reach their destinations. The farmers have blocked the road using their tractor trailers, and the people who usually visit their office in Bahadurgarh and other area are facing problem daily. Some of the commuters said that there is a big industrial area near Tikri border and several thousand persons commute daily to reach office. Now the police formed 8-layer security, which has become a big problem for the workers. That's all for today. Please like, share and subscribe Republic Haryana. Namaskar.